لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. वैसे तो नाज़रीन ये नात का शेर है, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि वो जो अरब के रेगिस्तान हैं, वो जो वीराना है कि किसकी आमद के ये आसार नज़र आते हैं, आज वीराने भी गुलजार नज़र आते हैं. आज बंदगाने खुदा अपने रब के हुजूर पहुँचे हुए हैं, रब के हुजूर हाजिर हैं. और आज है अपने रब की शनाख्त का दिन. कैसे होती है शनाख्त? जब बंदा दाएं बाएं दाएं बाएं देखता है तो कोई अरबपति भी एक ही कफन लपेटे वो चलता चला जा रहा है, परा गंदा बाल है, पैदल चल रहा है, कोई सहूलत नहीं, कोई पुरतायु ज़िंदगी नहीं, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं, कोई लग्जरी ट्रांसफर्स नहीं, सब पैदल चलते चले जा रहे हैं. तो बंदा अपने रब की शनाख्त करने में कितनी उसे आसानी होती है कि मेरे रब बेशक तू ही है, कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलाल हो, तेरी जर्रे जर्रे में है नमू, तेरी शान जल्ला जलाल. अदीब साहब फरमाते हैं, तेरे जिक्र से मेरी आबरू, तेरी शान जल्ला जलाल हो, तू मेरे ख्याल का रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलाल हो. मेरे मालिक आज तेरी हमद है, आज तेरी बात है, किब्र तुझको जेबा, बादशाही तेरी, हम तेरे गुलाम, बेकस ना तमा बेबस बंदे, हमारा कोई नहीं है अगर तू नहीं है. हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का खूबसूरत तरीन जुमला फरमाते हैं कि मेरे रब, अगर मैंने पूरी दुनिया को पा लिया और तुझे खो दिया तो मैंने क्या पाया, और ऐ मेरे रब अगर मैंने तुझे पा लिया और पूरी दुनिया को खो दिया तो मैंने क्या खोया. या मेरे अल्लाह, आज तुझे पाने के लिए तेरे बंदे किस हाल में, किस गर्मी में, किस तकलीफ में तेरे गिर्द मौजूद है. मौला हमारा दिल भी वही मौजूद है, तू हमें भी अपने इन बंदों में जिन पे तू रहमत फरमाएगा, जिनकी मगफरत फरमाएगा, हमें भी इनमें शुमार फरमा. मैं आगे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ. मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देजी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है. हुजूर क़िबला, एक बात इस सफ़र में देखने में आती है, ज़ाहिर है इन्हीं अय्याम की खूबसूरतियाँ हैं, दिलकशी है, मुख्तलिफ़ अहकाम, मुख्तलिफ़ मनाजिर, मुख्तलिफ़ अरकान, नमाजों के जमा करने का जो हुक्म है, मैं चाहता हूँ कुछ इस पर बात की जाए. इसका कोई एक डीप कोई आप जो है वो तासुर इसके तासुरात इरशाद फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम. बहुत शुक्रिया सलमान भाई. सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को आज का हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात मुबारक हो. अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मकबूल बंदों की दुआओं और उनकी तमाम जुमला इबादत के सदक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी बार बार हरमैन तय्यबैन की बादब हाज़री की सआदत नसीब फरमाए. आमीन. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सफ़र में मुख्तलिफ मामलात जो आम रूटीन से हट के हाजियों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिशें और अल्ताफ़ व इनायात का सिलसिला रहता है, उनमें से एक जमा बैन सलातैन का मामला है कि अरफात में और मुजदलिफा में दो दो जहर असर मगरब इशा को जमा करके पढ़ा जाता है. इसकी अगर हिकमत पर और इसकी इसके असबाब पर गौर करें तो सबसे बड़ी हिकमत तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया. ठीक. और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई, क्योंकि दीन तो वही है जो हुजूर फरमा दे, बस जो आपका हुजूर का अमल उससे बेहतर हिकमत कोई नहीं. वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुमुन फंतहू और वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस. यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन की हिल्लत और हुरमत से मुताल्लिक कुल्ली इख्तियार अता फरमा दिए, जिसके लिए जो चाहे अता फरमा दे, जिसके लिए जो चाहे मना फरमा दे. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास इख्तियार अता फरमाया. और सहाबा इकराम का तो अकीदा ये था कि हुजूर जो फरमा दे वही दीन है हमारे बस लिए. वही दीन है. यानी सहाबा इकराम उस रुख को तब्दील करने में पसो पे से काम नहीं लेते जहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिस रुख करके इबादत की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदे किए जाते हैं. सिर्फ क्या कैफियत देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक फेर देते बगैर किसी किलो काल के, बगैर किसी सवाल के, और बगैर किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पसो पेश किए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखा कि हुजूर ने अपना चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस से फेरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा में सहाबा इकराम हुजूर की पैरवी करते चले आते. यानी सहाबा इकराम का अकीदा ये है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को ये इख्तियार, ये कमाल और ये एजाज़ अता फरमाया
کہ دین کے جملہ معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے, جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے. حضور نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے, تو امت اس وقت سے لے کر آج تک یہ عمل کر رہی ہے. اور پھر اس میں حضور کی شفقت بھی دیکھیں کہ جن کی شفقتوں کا تذکرہ خود قرآن فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ امت کا کسی مشقت میں پڑھنا حضور پر گنا گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانیاں فرمانے والے, بے شک. یعنی گزشتہ اقوام کی عبادات کا معاملہ دیکھیں, معاملات دیگر اس طرح کے ان کے پہلو دیکھیں, تو ان امتوں کے مقابلے میں اس امت کو حضور کی برکت سے, حضور کی نسبت کے صدقے سے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہیں. چاہے وہ حدود و قیود کا معاملہ ہو, تعزیرات کا معاملہ ہو, یا عبادات کا معاملہ ہو, ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. ہم قرآن کریم کا بھی اگر مطالعہ کریں, اللہ رب العالمین نے انتہائی آسانی کا معاملہ اس امت کے لیے فرمایا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے, آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر معاملات میں اس امت کے لیے حضور کے صدقے سے آسانی فرمائی اور رخصت کا معاملہ فرمایا, حج کے ان ایام میں ہم دیکھیں کہ چونکہ حاجی تھکاوٹ ہے اور اس طرح کے دیگر پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے, سفر ہے, گھر سے دوری ہے, گرمی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے ان کیفیات میں تھوڑا اس کے لیے آسانی اور رخصت کرنے کے لیے فرمایا کہ ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے, تاکہ ہر نماز کو اس کے لیے الگ الگ اہتمام, الگ الگ وقت میں اس کی ادائیگی, یہ ساری کیفیات اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے. بلکل. اس کے لیے آسانی کا اہتمام فرمایا گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا نا, یا رسول اللہ, ہم اگر کسی سفر میں موجود ہوں اور وہاں ہمارے لیے آسانی ہے, اگر ہم قصر نہ پڑھیں, پوری نماز پڑھ لیں, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تو تم اپنے لیے مشقت کیوں اختیار کرتے ہو, صحیح, اور سختی کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو. یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے سے ہمارے لیے یہ ان معاملات میں آسانی فرمائی. کہ عرفات میں ہیں تو ظہر عصر جمع کر کے پڑھے, مزدلفہ میں جا رہے تو مغرب عشاء جمع کر کے پڑھے, لیکن ثواب کتنا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ان ایام سے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ 10 ایام ایسے ہیں کہ پورے سال کے جملہ عبادات, جملہ معاملات, جملہ نیکیاں, ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان 10 ایام کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ حضور سے عرض کی گئی نا, یا رسول اللہ, کوئی مجاہد ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, تو کیا اس سے بھی زیادہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں, صرف استثناء فرمایا کہ وہ مجاہد جو راہ حق میں جہاد پر جائے اور پھر شہید ہو جائے, اللہ کی راہ میں اپنی جان وہ قربان کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو, اس شہید کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہاں اگرچہ نمازیں اپنی روٹین سے ہٹ کر پڑھی جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ برکتیں اور ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے, واحد خدا کی جو ذات ہے, آج اس کے بندے بھی وحدانیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت پیش کر رہے ہیں. یہ امت واحدہ ہے, اس کا ایک بہترین نمونہ اور ثبوت یوم العرفہ پہ حج کے اس جلوس میں آپ کو نظر آتا ہے, اس جلسے میں نظر آتا ہے. میں آج محمود الحسن اشرفی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج یہ یقیناً صرف حجاج کرام نہیں, بلکہ ہم سب اور ہمارے دل بھی حاضر ہیں رب کے حضور, اور ہم اسی کیفیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم. بسم اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم, تیری ہے صدا یہ جشن نم, اللہ چہرے پہ ہے
अशकों से रकम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है नाम तेरा मौला उन लोगों में लिख दे नाम मेरा महशर जाए भरम महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह असबाब हूँ उनको ऐसे बहम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा हमको हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभान माशाल्लाह खुश रहिए सलामत रहिए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा पैगाम आप उलमाए किराम की जानिब से पूरी उम्मत को जाए। एक वहदानियत का पैगाम जाना चाहिए, एक उम्मत वाहिदा इसके जमा होने का, इसमें हम किस तरह उम्मत वाहिदा बने। आज तो एक बेहतरीन सबूत है, अल्लाह की बारगाह में सारे जमा हैं, कोई काला गोरा नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, कोई अरबी अजमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई पैगाम हो इस उम्मत के लिए। बस मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे ज़िंदगी के रवैये ऐसे हों कि जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। अल्लाहु अकबर बस अल्लाहु अकबर। और ये जो हम अपनी ज़बान से या अपने रवैये से तकलीफ़ पहुंचाते हैं लोगों को, हज का पैगाम ये है कि अब वो लोग जो नहीं जा सके अल्लाह उनको वहाँ पहुँचाए, और जो वहाँ हैं अल्लाह करे उनका हज हज मकबूल हो, और वहाँ अरफात के मकाम पर जो दुआएं करके तजर्रों के साथ रब से मगफरत की दुआएं और मगफरत लेकर लौट रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब एक बात तय कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था खुतबे हजतुल वदा में, और वो फरमान बहुत वाज़ेह है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की ईज़ा का बाइस ना बने, ना ज़बान से ना बयान से ना रवैये से ना अंदाज से। तो दिल आज़ारी ना करें, मदद करें, और एक जिस्म की मानिंद इस तरह से हो कि ये उम्मत वाहिदा हो, ये उम्मत वुस्ता, और ये दीन हनीफ के रखवाले जो रसूल के अमानतदार हैं, इस तरीके से चले कि अपने वजूद में हुजूर की सीरत को अपना लें और हुजूर की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लें। तो कोई सबब नहीं है कि हम कल हुजूर की बारगाह में जाएं तो हुजूर ये फरमाए कि ये मेरी उम्मत है जिस पर मुझे फ़ख्र है। अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह। अलामा साहब क्या पैगाम देंगे मुख्तसर जी? मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जो वकूफ़ अरफात के अलावा जो हज के तमाम मनासिक जब अदा हो रहे हैं तो दर हकीकत ये तरबियत का एक सिलसिला है, उनके लिए भी जो मौजूद हैं और उनके लिए भी जो मौजूद नहीं हैं।
बिल्कुल। और दूसरा इसके अंदर पैगाम ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पर आज जब हज का वकूफ़ है, रुकन आज़म अदा हो रहा है वकूफ़ अराफात का, तो एक मुस्लिम यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है ना, एक आलमी भाईचारा मुसलमानों का स्पेशली, उसका एक हमें मंजर नज़र आ रहा है, हकीकी मंजर नज़र आ रहा है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला मुसलमान वो यहाँ पर जमा है और अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम की अमली तस्वीर बना नज़र आ रहा है, इन्नमल मुमिनून अखवा की अमली तस्वीर बना नज़र आ रहा है। ये जो आलमी भाईचारा है इस वक्त एक लिबास की सूरत में, एक आवाज़ की सूरत में, कि हम किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा रहन सहन कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो मरकज़ वहदत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक हमें उस मरकज़ वहदत से जुड़ना होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान जब यहाँ जमा नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है मुसलमानों को मुत्तहिद होने में कोई चीज़ रुकावट नहीं डाल सकती, बिल्कुल, ना ज़बान, ना लिबास, ना खाना पीना, ना जुग्राफियाई हदूदबंदी, चूँकि उनका जो महवर व मरकज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो पूरी दुनिया के लिए, तो इस वक्त जो कमज़ोर और मज़लूम मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए, नुसरत के लिए, इआनत के लिए हम सबको जमा होना चाहिए, बिल्कुल, और अमली कोशिश करनी चाहिए, और कुछ ना कर सके तो कम से कम मज़लूम मुसलमानों की दादरसी और उनके लिए दुआ ज़रूर करनी। बिल्कुल ठीक जी शाह साहब, क्या पैगाम देंगे? बहुत खूब माशाल्लाह। सलमान भाई, बतौर ख़ास इन अय्याम में हुजाज कराम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्ताफ़ व इनायत की बारिशों का सिलसिला और रूहानी तासीर और ताजगी तो यकीनन रहती है, लेकिन पूरे आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमान भी इन कैफियात से कुछ ना कुछ हिस्सा पाते हैं और जज्बाती तौर पर एक वाबस्तगी और एक अकीदत का सिलसिला रहता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबाए मैदान अराफात में जो हुज़ूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि बल्लिगु अन्नी वलव आया। ये इसका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ पहुँचाना है, बल्कि पहुँचाने का मकसद ये है कि इन मलफूजात पे अमल करना है, इन फरमुदात पे अमल करना है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अराफात के मैदान में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारा एक एक ज़ाबता है, ज़ाबता हयात है, ज़ाबता अखलाक है। उम्मत मुस्लिमा की फलाह, उम्मत मुस्लिमा की बका और उम्मत मुस्लिमा की बहबूद इसी में है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन फरामीन से, हुजूर की तालीमात से हम जुड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारें और ये अज़्म किया जाए कि जो हुजूर हमें दीन दे कर गए, उम्मत मुस्लिमा की बका उसी सूरत में मुमकिन है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो हज के इन अय्याम में जहाँ हुजाज कराम इन इबादात को अदा कर रहे हैं, अरकान को अदा कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ कर इन मनाजिर से अपनी आँखों को ठंडा कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये अज़्म भी किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बतौर अमानत हमें अता फरमाया, सिर्फ एक सीने से दूसरे सीने मुंतकिल करना नहीं है, बिल्कुल सही, बल्कि हमारी जो जो हैसियत है, जो जो हमारा किरदार उसमें हो सकता है और जिस कदर हम उस पर अमल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, दीन को शामिल किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी इसकी बरकतें अता फरमाएगा, आखिरत में इसकी बरकतें। बहुत शुक्रिया शाह साहब, डॉक्टर साहब क़िबला का आपका शुक्रिया, अलामा साहब आपका शुक्रिया, महमूद भाई आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह नशिस्त में और महमूद भाई इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने आवाज के साथ। और हमारे इदारे के सीनियर एंकर जनाब रईस अहमद साहब इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं आपको और इस नशिस्त को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। खुतबा हज भी होगा, तर्जमा भी होगा, उससे मुतालिक गुफ्तगू भी होगी, वक्त वक्त के और मुल्क के आलम इस्लाम के बेहतरीन उलमा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं नाज़रीन इकराम आज अल्लाह के हुजूर जिस कदर हमद की सआदत मिल सकी, शुक्र बजा लाने की तौफीक मिल सकी, हमने ज़ाहरी तौर पे उसकी कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शुक्र को कबूल फरमा ले, हमारी बंदगी को कबूल फरमा ले, हमारी हमद को कबूल फरमा ले। और याद रखिएगा, मेरा भी एक पैगाम है इन चार मिसरों में तमाम आलम इस्लाम के देखने वालों के लिए कि किसी इंसान किसी भी चीज़ का डर अच्छे अच्छों को ज़ेर करता है, किसी इंसान किसी भी चीज़ का डर अच्छे अच्छों को ज़ेर करता है, सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल का डर आदमी को दिलेर करता है। तो आप अपने रब से डरते रहिए, उसके खौफ और खशियत से लरजने वाले जिस्म को और दिल को वो पसंद फरमाता है, वो उसे अपना दिल कहता है, वो उसे अपना जिस्म कहता है, उसकी निशानियाँ उसी जिस्म में नज़र आती हैं जिस पे उसका खौफ तारी होता है, जो उसके खौफ से कोई गलत काम नहीं करते। आज के दिन जिस तरह हम संभले हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को इसी तरह संभाल लीजिए और उसके हुजूर झुक जाइए, तस्लीम कर लीजिए, उसके हर हुक्म को मान लीजिए, उसकी फरमाबरदारी में अपना वक्त गुजारिए। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कंटिन्यू रहेगी हमारी ट्रांसमिशन और उलमाए किराम और हमारे मेज़बान इंशाल्लाह आ रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए। हम मुझे और इन उलमा को इजाज़त दीजिए, महमूद भाई भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا